पिछले 24 दिनों से शांतिपूर्वक धरने पर बैठे आम्रपाली ड्रीम वैली के कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन के तरीके में बदलाव करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लेने के लिए कर्मचारी इसलिए मजबूर हो गए क्योंकि मैनेजमेंट के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। गुस्साए कर्मचारियों ने आज सुबह आम्रपाली कॉर्पोरेट ऑफिस का दूसरा गेट बंद कर दिया है और वापस धरने पर बैठ गए हैं। इनसे धरने पर बैठे हैं। आज 24 दिन हो गया है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, कोई हमें सुनने और देखने को कोई नहीं आता। हम किस हाल पे यहाँ पे फटेहाल स्थिति मरने के कगार पे खड़े हैं सारे के सारे। तो 24 पिछले महीने की 24 तारीख में अनिल शर्मा जी ने खुद बोले थे कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ और उन्हें 7 दिन के तकरीबन एक मोटा मोटी बोला था कि 1 हफ्ते में, लेकिन वो 1 हफ्ता कब का बीत गया, उसको गए हुए 15 दिन हो गए और अभी तक उसके बाद कोई नोटिस लेने भी नहीं आया है कि उनको मतलब उन्हें क्या बोला और क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अब हम अभी तक हम गेट बंद नहीं किए हुए थे, गेट तो फिलहाल भी हम बंद नहीं किए हुए हैं, बस गेट पे ऐसे बैठे हुए खाली बैठे हुए हैं ताकि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमें देखने नहीं आ रहा है, हमें सुनने नहीं आ रहा है, हमें इग्नोर किया हुआ है तो हमें इग्नोर ना करें। हम उनके स्टाफ हैं, हमें देखने आए, हमारी दर्द को महसूस करें। हम आपको बता दें कि आम्रपाली दफ्तर का पहला गेट होम बायर्स ने बहुत पहले ही बंद कर दिया था और दूसरा गेट कर्मचारियों ने बंद कर दिया है। कल नोएडा विधायक पंकज सिंह ने आम्रपाली कर्मचारियों से मुलाकात की और कर्मचारियों को आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द सरकार उनकी मदद कर उन्हें उनका हक दिलाएगी, लेकिन फिर भी कर्मचारी नहीं माने और धरना जारी रखा। कर्मचारियों का कहना है आश्वासन नहीं चाहिए, अब चाहिए तो बस अपना वेतन। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.